ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଗଭୀର ଅବପାତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ସହ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏହା ଗତି କରିବ। କ୍ରମଶଃ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 11 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାପରେ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତି ସୁଦ୍ଧା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ। 4 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମିଆଁମାର ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ 110-120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ବାଂଲାଦେଶର କକ୍ସବଜାରଠାରୁ 1430 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ରହିଛି। ସେହିପରି ମିଆଁମାରଠାରୁ 1220 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ। कल जो डिप्रेशन हमारा साउथ ईस्ट बिहार बंगाल में था वो आज मॉर्निंग में इंटेंसिफिकेशन होकर के डीप डिप्रेशन हुआ है सेम लोकेशन में साउथ ईस्ट बिहार बंगाल में। इसका लोकेशन हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाइज लैटिट्यूड 8.8 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 88.9 डिग्री ईस्ट। हमारा पोर्ट बिहार से साउथ ईस्ट डिरेक्शन में 530 किलोमीटर दूर में इसका सेंट्रल लोकेशन है। और इसका मूवमेंट अभी जो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट टुवर्ड रहेगा और इंटेंसिफिकेशन भी होगा ग्रेजुअली। आज इवनिंग तक साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है। फर्दर इसका मूवमेंट हमारा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट टुवर्ड रहेगा और इंटेंसिफिकेशन भी होगा सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कल मीन्स 11 मई मॉर्निंग के आसपास, फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा 11 मई मिडनाइट के आसपास, फिर 12th मॉर्निंग से इसका रिकार फ्रैक्चर स्टार्ट होगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड। और हमारा बांग्लादेश साउथ ईस्ट बांग्लादेश और म्यांमार कोस्ट का तरफ मूव करेगा। क्रॉस करने का चांसेस है हमारा साउथ ईस्ट बांग्लादेश का कॉक्स बाजार, म्यांमार का कैप का, इसका इन बिटवीन का क्रॉस करने का चांसेस है। क्रॉस करने का टाइमिंग अराउंड है हमारा 4 नून 14 मई। तो इसके लिए हमारा कोस्ट के लिए कोई वार्निंग नहीं है, उड़ीसा के लिए कोई वार्निंग नहीं है इसका एसोसिएटेड। बट हमारा डीप सी एरिया मीन्स बे ऑफ बंगाल का जो डिफरेंट डीप सी एरिया है उसमें फिशरमैन को जाने के लिए मना किया है। ऐसा आज से ही हमारा साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए मना है और फिर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में भी जाने के लिए मना है 12 से 14 तक। मिल हमारा डीप सी एरिया के लिए फिशरमैन के लिए वार्निंग है अप टू 14 तक डीप सी एरिया में जाने के लिए मना किया है। साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल अंदमान ये सब एरिया में आज से ही है मना, कल से ही मना किया है। अच्छा, अभी ये साइक्लोन है वो उड़ीसा के लिए कोई मतलब कुछ है या नहीं? उड़ीसा के लिए हमने बोला ना, उड़ीसा के लिए अभी तक हमारा कुछ भी वार्निंग नहीं है। उड़ीसा के लिए उड़ीसा हमारा लैंड एरिया के लिए कुछ भी नहीं है, कोस्टल एरिया के लिए भी कुछ भी वार्निंग नहीं है। बट हमारा सी एरिया ओशनिक एरिया में फिशरमैन जाता है तो फिशरमैन के लिए वार्निंग है डीप सी एरिया जो गंभीर समुद्र में है उसमें जाने के लिए मना किया है, जो आपका 14 तक मना है। ये डिफरेंट एरिया में डिफरेंट, जैसा बे ऑफ बंगाल में को भी हम लोग डिफरेंट एरिया में डिवाइड करते हैं, साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, सेंट्रल का फिर ईस्ट सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, ऐसा अंदमान सी ये सब सेक्टर में भाग किया जा डिवाइड किया जाता है। तो डिफरेंट सेक्टर में कब कब क्या है उसमें हमने ग्राफिक्स में डिटेल्स दिया है बुलेटिन में। और उसके प्रभाव में कुछ बारिश वगैरह या फिर जैसे आकाश कुछ होगा? हमने पहले ही तो बोला है आपका उड़ीसा के लिए कोई भी ये नहीं है। अभी हमारा जनरल जो फोरकास्ट है वो हम बताएंगे इसमें हमारा अभी जो हीट हॉट वेदर मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर व डे टेम्परेचर कुछ कुछ एरिया में 40 एंड अबव हो रहा है,